शताब्दी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। और आइए अब हम एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। बड़ी खबर, महाराष्ट्र के भंडारा से ग्राम मकर धोकड़ा नदी से अवैध रूप से निकाल रहे रेत, प्रशासन को खबर ही नहीं। तहसील के मकर धोकड़ा क्षेत्र में जल स्रोतों के मुहावने पर रेत चोर सक्रिय है। खुलेआम रेत खनन के साथ ही परिवहन का काम व्यापक पैमाने पर चल रहा। जवाबदार विभाग कभी कभार सिर्फ परिवहन होती रेत के ट्रैक्टरों को पकड़ने की कार्यवाही करता है। मौके पर पहुंचकर कोई कार्यवाही नहीं होने से इस रेत खनन पर लगाम नहीं लग पा रही। अब तो हालात यह हो गए कि नदी किनारे वाले गांव में दिन भर खुले में ही रेत निकालने का काम जोरों पर चल रहा। ग्राम मकर धोकड़ा में वैनगंगा नदी के तट को छलनी कर रेत निकालकर ट्रालियों में भरने का काम करते लोग देखे गए। रेत चोर गाँव के लोगों की मौजूदगी में रात भर नदी के तटों को छलनी कर रेत निकाल रहे हैं। मकर धोकड़ा गाँव में रोजाना पूरे रात दिन यही नजारा देखने को मिल रहा है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए भंडारा महाराष्ट्र से सचिन एस मेश्राम की रिपोर्ट। मी मकर धोकड़ा येथील रहिवासी असून माझा मासेमारीचा व्यवसाय चालू असतो। तर आम्ही 30-40 लोक नदीवर मासेमारी पकडण्यासाठी रोज जात असतो। परंतु आता अडसी अडचण निर्माण झाली आहे का रेती काढणाऱ्यांनी रेती तिथली काढून घेतली आणि तिथं गड्ढे करून ठेवले। आता आमच्यावर उपासमारीची पाळी आलेली आहे। आम्ही ज्या ठिकाणी मासेचे जाळे ओढतो त्या ठिकाणी गड्ढे पाडले, त्यामुळे आमच्यावर उपासमारीची पाळी आली आणि आमच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यास आम्ही असमर्थ झालो त्याच्यासाठी म्हणून।